1966 की बात है कि प्रयाग कुंभ में गंगा जी के किनारे बाबा ने एक अन्य क्षेत्र स्थापित करवा दिया था। मीलों के दायरे में बसे कुंभ क्षेत्र में एक छोटा सा अन्य क्षेत्र जिस पर एक अच्छा झंडा फहरा रहा था भगवा रंग का, और उस पर हनुमान जी की मूर्ति बनी थी। इस अन्य क्षेत्र की शुरुआत बहुत थी धीमी गति से हुई थी, किंतु कुछ ही दिनों में सुबह 8-9 बजे से जो भीड़ बाबा जी के प्रसाद पाने के लिए जुटती थी उसका सिलसिला देर रात तक चलता रहता था। बाबा जी का आदेश था कि भरपेट खिलाओ और बांध कर भी दो। दिन भर लगभग 1000 लोग प्रसाद पाते। यह सब यहाँ कहाँ से आता है किसी को पता नहीं चला। कभी शुद्ध घी में तरबर हलवे का भंडारा, तो कभी खीर और कभी आलू मटर गोभी मिश्रित खिचड़ी, दाल चावल रोटी तो बनती ही थी। बाबा अक्सर देर रात में आ पहुँचते और धुएं से भरे रसोई घर में जाते, फिर भंडार गृह में पहुंचकर कभी इस बोरे पर बैठते तो कभी उस बोरे पर। दाल नहीं है, चीनी नहीं है, आटा चावल नहीं है, कहते, और सुबह पता चलता कि किस माया के अंतर्गत 2-3 ऊँट नजर आते, दोनों ओर पीठ पर लादे खाद्य पदार्थ के साथ। पौष पूर्णिमा से प्रारंभ ये भंडारा माघ पूर्णिमा तक चलता था। भूमियाधार के ब्रह्मचारी बाबा और उत्तराखंड की कुछ माइयों के साथ भंडार की सामग्री तैयार करती थी। कुछ अन्य क्षेत्र बसंत पंचमी को बंद हो जाते थे, उन अन्य क्षेत्रों के आश्रित भी बाबा के अन्य क्षेत्र की ओर आ जाते थे। परंतु आओ खाओ और बात के भी ले जाओ के तर्ज पर बाबा का भंडारा चलता रहता था। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा जय हो, सदा ही जय हो, जय हो।